सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको तरह तरह के विषयों के बारे में बताते हैं। कभी रेकी हुई, कभी ज्योतिष हुआ, कभी वास्तु हुआ या फिर कभी न्यूमरोलॉजिस्ट। आज जिस कार्यक्रम के विषय में हम आपको बताएंगे वो है रेकी। कहते हैं कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जीवन में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। वही बदलाव हमारे भी जीवन में आया है जब हमने दर्शन किए हैं एक ऐसी दिव्य आत्मा के, जिनके मात्र दर्शनों से ही हमारी समस्त समस्याओं का समाधान बड़ी ही सरलता से हो पाया है। हम बात कर रहे हैं स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज की। आज फिर से शुभारम्भ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेंगे गुरुदेव का। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुदेव, रेकी के संदर्भ में बहुत ही खूबसूरत बातें आपने हमें बताई, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है योग। वास्तविकता में योग है क्या, आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, योग जो है, अभी तक हम लोग जो हैं हाथ हिलाने का, शरीर हिलाने के लिए ही योग समझ लिए हैं। यह किंवदंतियाँ पहले भी फैली थी, अभी फिर फैल गया है। आकि कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि देह हिलाए योग न होई। हम लोग उठते बैठने घूमने फिरने को योग समझ लिए हैं, यह वस्तुतः योग नहीं है। हठ योग जो है केवल टू बिल्ड योर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बनाना, जैसे कोई मिस्त्री बनाता है उसी तरह से कोई वैद्य हुआ या कोई चिकित्सक हुआ इस शरीर के रूपी बिल्डिंग को बनाता है या इसको रक्षा करता है या इसमें जो बीमारी आने पर दवा करता है, निरोग करता है। यह वैद्य और चिकित्सक का काम है। और हम लोग जो हैं अभी पूरी भारत में ही नहीं, विश्व में एक धारणा फैल गई है, आगे हम लूटते हैं, बैठते हैं, दाएँ करते हैं, बाएँ करते हैं, आसन को हम लोग योग समझ लिए हैं। यह भ्रांत धारणा पहले निकाल लीजिए। योग पतंजलि में स्पष्ट कहा गया है चित्त निवृत्ति स योग, जो चित्त को निवृत्त करता है और परमात्म भाव में लगाता है योग है। योग का स्पष्ट अर्थ होता है योग, जोड़ देना। जैसे दो दो हम जोड़ेंगे तो चार होगा, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा को जोड़ना ही योग है, न कि हाथ हिलाना योग है। अभी हम योग विश्व योग दिवस भी मनाते हैं, उस पर भी केवल हम लोग वह शरीर को ऊपर नीचे बैठना और जो है शरीर को हिलाना, जैसे कोई मिस्त्री कोई बिल्डिंग को बनाता हो और मिस्त्री कहा कि नहीं हम जो हैं योगी भी हैं और हम परमात्मा से भी मिला सकते हैं, यह बात नहीं है। योग का अर्थ जो है बहुत भ्रांत हो गया है। इसीलिए पहले भी हुआ था तो कबीर साहब ने कहा कि जो शरीर हिलाए योग न हुई। दूसरा कहते हैं यह गोरख धंधा, क्या गोरख धंधा में पड़े हो, जनरल बात हो गई। यह गोरख धंधा है यह शरीर को। हम अभी हम गए थे, अभी अभी की बात है, हम कांडव ऋषि के आश्रम में गए थे जी, जी। कुछ योगी अपने को योगी कहने, विश्वविख्यात योगी कहने लगे और अभी अभी हम खड़ा होकर जो हाथ अपना पेट हिलाने लगे, वो क्या रामदेव जी हिलाते हैं उससे भी अच्छा दस तरह का वो हाथ हिलाए और शरीर पेट हिलाए, देखकर मैं चौंका। खैर, वे फिर हमारे पीछे लगे कुछ देर, हालांकि वो सुनेंगे ही बात को। तो हमने कहा कि योग आपने बाहर शरीर पर साध लिया, अंदर के बारे में क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, असल में जो है यह दो तरह की बातें होती है। एक बात होता है फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी जो है यह शरीर, रोग होता है, बीमारी होती है, कष्ट होता है और फिजिकल बॉडी के लिए हम लोग दवा करते हैं, वैद्य के यहाँ जाते हैं। उसी तरह से तथाकथित यह जो है शरीर के योगासन के लिए जाते हैं। यह केवल इसको स्थूल शरीर के लिए ही निर्माण के लिए है, जैसी यह बिल्डिंग निर्माण है स्थूल शरीर के लिए है। लेकिन हम लोग पूरी भ्रांत धारणा फैल गया कि योग यही है। योग से इसे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, यह केवल शरीर के निर्माण के लिए है, फिजिकल बॉडी के लिए है। दूसरा जो होता है इथरिक बॉडी, उसको अब अंग्रेजी में इथरिक बॉडी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे भाव शरीर। भाव शरीर योग देखिए अब शुरू होगा, बताएंगे कहाँ से योग शुरू होगा। भाव शरीर जो होता है
भावना से होता है, वह शरीर भावनाएं निर्माण होती है। आप सुना होगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी चिंत तैसी। और यह प्रकृति जो है अपने आप पहले फिजिकल बॉडी को बनाती है, दूसरा भाव शरीर को 7 वर्ष में बनाती है। यह 7 वर्ष में फिजिकल बॉडी बनता है लड़कों का, दूसरा 7 से 14 वर्ष में यह जो भाव शरीर बनता है। यह 14 वर्ष में भावना लड़कों के आता है, सेक्स के बारे में आ जाता है, इंद्रियों के बारे में भावनाएं आ जाती है, और जो है इंद्रिय संबंधित तमाम जानकारी प्रकृति जो है वो बच्चों में निर्माण कर देती है। इसलिए यह समय 7 से 14 वर्ष के लिए जो उम्र है बहुत सेंसिटिव है, बच्चों को बचाकर चाल चित्र चिंतन बचाकर रखना चाहिए, तब वह आगे भावी होगा। बहुत सारे लोग जो हैं यह 14 वर्ष की अवस्था में ही रह जाते हैं, इसलिए उनको देखिएगा रहन सहन आसपास के रहने से, आगे उनका घर का निर्माण से लेकर के बाथरूम से लेकर के ड्राइंग रूम तक सेक्स संबंधित चित्रकारी होगी। बिल्कुल, इसका मतलब वो समझिए कि वह 14 वर्ष की अवस्था में प्रकृति जहाँ रख रख रही है भाव से, वो भावना में बह रहे हैं और ये भावना में ही बहते रहेंगे, यह प्रकृति निर्माण करती है। तीसरा जो अवस्था होता है वह 14 से 21 अवस्था, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो होता है तर्क डेवलप होता है, तर्क डेवलप होता है। तर्क में जो होता है हम विद्वता ग्रहण कर लेते हैं तथा कथित। तर्क में क्या होता है, जैसे हम बहुत बड़े तर्कशास्त्री बन जाते हैं, बहुत बड़ा कथावाचक बन जाएंगे, यही नहीं बहुत बड़े प्रोफेसर बनेंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। यानी यह तर्क जो है तीसरी बड्डी का खेल है, जो कहते हैं 14 से 21 वर्ष से, यहाँ भी जोक से कोई संबंध नहीं है। यह जो है आप बहुत लोग जो हैं तीसरे शरीर पे ही मर जाते हैं। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट देखिएगा, इंजीनियर देखिएगा, डॉक्टर देखिएगा, या खोजने वाले को देखिएगा, अन्वेषक जो खोज रहा है, यह जो है प्रकृति डेवलप करती है तीसरे वर्ष या 14 से 21 वर्ष यह है। और बहुत लोग जो है इस शरीर में मर जाते हैं, अभी तक योग से कोई संबंध नहीं है। ठीक से योग समझिए कि योग शुरू कहाँ से होता है। चौथा शरीर जो होता है मेंटल बॉडी, मानस शरीर। मानस शरीर में यहाँ से अब योग शुरू होता है। मन को हारे हार है मन के जीते जी। मन यहाँ से शुरू होता है और योग यहाँ से शुरू होता है। मन है मनुष्याराम कारण बंधन मोक्ष है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। प्रभु जी यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि मन पर कंट्रोल या फिर मन पर संयम कैसे किया जाए, ये भी आप हमें बताएं। हाँ, यहीं से योग शुरू होता है, इसलिए मैं बता रहा था मन योग योग। अभी बाहर बाहर जो हम शरीर पर कह रहे हैं योग से कोई संबंध नहीं है, यह आसन से है। जो पतंजलि भी कहता है, पहला जम, दूसरा जम नियम आसन, तीसरा पर आता है ना आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब होता है ध्यान और समाधि। यह जो चौथा शरीर जो आता है मेंटल बॉडी मानस शरीर, यहाँ पर आदमी इतना समर्थ हो जाता है, आगे जो चाहता प्रकृति करने लगती है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे योगी हाथ हिलाते हैं भभूत गिरने लगता है। वह इतना ही नहीं, मानस शरीर तो यहाँ है कि आप यहाँ बैठे हैं और वह जो है अमेरिका कनाडा हांगकांग में किसी रूप में प्रकट हो गया। बिल्कुल, आपके घर प्रकट हो गया, आप सष्टांग प्रणाम कर जगह तो बहुत सिद्ध हो गया। और यहीं पर जो है तथा कथित योगी लोग अपने को यह भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, और पृथ्वी पर ऐसे भगवानों से भरा भरा पड़ा है। कभी अंगूठी मंगा देंगे, कभी मुंह से जो है घड़ी निकाल देंगे, शिवलिंग निकाल देंगे, क्या क्या कर देंगे। यह समझिए, आज समझ लीजिए ठीक से कि यह चौथे शरीर का खेल है। जितनी रिद्धि सिद्धियां यह सब चौथे शरीर का सिद्ध है, लेकिन यहाँ से योग नहीं है। कबीर साहब ने ऐसे ही जब आते हैं साधना तो कहते हैं कि कतनों बुलावे तो ना बोले के, कि कतनों दिखावे तो ना देखे के। सखी रे बड़ा ग्रीष्म बाजार है बरा चले के, मतलब कि यहाँ तक जो है मन का ही खेल है, मन का ही साम्राज्य है। आप जो है मन जो है लोभ लालच दे रहा है, सिद्धि दे रहा है, आशीर्वाद श्राप की शक्ति दे रहा है, यह सब मन की ही शक्तियाँ हैं। इसके चक्कर में मत पड़ो, अन्यथा कितने जन्म पड़े रह जाओगे और तुम्हारा यह कल्याण नहीं होगा। बहुत लोग जो हैं यहाँ तक पढ़ करके पूरा जो है नरकगामी बन जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। और बहुत लोग जो हैं यहाँ पर जब मिस यूटिलाइज करते हैं तो आप देखेंगे इसी संसार में जेल भी जाते हैं। बिल्कुल, इनकी कोई शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। यह सब मन का काम है, लेकिन अब यहीं से मन को नियंत्रण करना, मन को इसीलिए जो पतंजल कहते हैं चित्त निवृत्ति से योग, कहते हैं योग तो यहाँ से शुरू होता है। चित्त को, चित्त की जो व्यापार में फंसा है, व्यापार लेन देन यह करना वह करना, संसारिक क्रियाएँ जितनी होती हैं वह व्यापार है। तो चित्त को इन वृत्तियों से निवृत्त करना जब होता है तब योग शुरू होता है। जो भी व्यक्ति इस चौथे शरीर से ऊपर उठने लगता है, चौथे शरीर की पर अपने कंट्रोल कर लेता है, तब जो है वह योग में प्रवेश करने लगता है। ये शाब्दिक अर्थ, ये असली अर्थ जो है योगा का ये हाँ, है हाँ जी।
पहले और चौथा शरीर जब छोड़ता है तब ठीक अब योग में आता है तब पचवा शरीर होता है आत्म शरीर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी देखिए आत्मा की अब बात होने लगी। अब आप योग में इंटर किए, ठीक ठीक योग होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग होता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, दुल्हा दुल्हन मिल गई फिकी पड़ी बरात। दुल्हा कहते हैं परमात्मा को, आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी में, आप लोग जानते हैं जय। तो इसलिए जब दुल्हा, दुल्हन स्त्रीलिंग शब्द है, दुल्हन ही आत्मा है, और यह दुल्हा दुल्हन जो है उस बिछड़ी हुई परमात्मा से अपने दुल्हा से मिल जाती है, तो फिकी पड़ी बरात मतलब यह होता है आ कि हमारे साथ जितनी पांच कर्म इंद्रियाएं, पांच ज्ञान इंद्रियां, 10 और 11वां मन, एकादश हुआ ना, एकादश जब मन यह गिरता है तब एकादशी पूर्ण होती है, और जब एकादशी यह पूर्ण होती है तब जो है चित्त निवृत्त हो जाते हैं, तब जो है हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मदर्शी बन जाते हैं। आज जब बहुत लोग जो हैं आत्मा को ही सब कुछ मान लेते हैं, अब कहते हैं कि देर इज नथिंग, जैसे बहुत लोग जो हैं रिद्धि सिद्धि पहले दूसरे शरीर को ही सब कुछ मान लिए, बहुत लोग तीसरे शरीर को मान लिए, चौथे शरीर में तो अपने को परमात्मा मान ही लेते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता है वह पाँचवें शरीर पर रुकता है। अब जैसे भगवान महावीर आत्मा को मान लिए, आत्मा कह दिया आत्मा सॉल इज एवरीथिंग, इसके बाद कुछ नहीं है, या जैन समुदाय ही इस पर खड़ा है कि आत्मा ही सब कुछ है, इसके ऊपर नहीं है। नहीं, गुरुजी उससे जुड़ी और अधिक जानकारियां आपसे अवश्य लेंगे। और एक विशेष प्रश्न जो मेरे जहन में भी आ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह माया से कृपा मुक्ति पाई जा सकती है, जरूर जानूंगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड जी। करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी, और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज फिर से उपस्थित हुए स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे गुरुदेव का। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए गुरुदेव आप हमें बता रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मेरा प्रश्न था, काम क्रोध लोभ मोह माया, इससे व्यक्ति किस प्रकार मुक्त हो सकता है, आप हमें बताएं। देखिए, जब योग में हम इंटर करेंगे तभी इनसे हम मुक्त होंगे। जब तक से हम हाथ हिलाएंगे, शरीर हिलाएंगे, शरीर पुष्ट होगा, इंद्रियाएं पुष्ट होगी, तो इससे मुक्त होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अभी तो हम लोग जो भ्रांत धारणाएं योग में फंसे हुए हैं, केवल शरीर को ठीक करना ही योग समझ लिए हैं, और शरीर को ठीक कर रहे हैं इसलिए ठीक तो हो रहा है, ठीक है शरीर, दवा की जरूरत नहीं पड़ी है, अभी ठीक है, लेकिन हम योग में नहीं प्रवेश करके हम केवल संसार में प्रवेश कर रहे हैं। अभी विश्व में पूरे दो ही प्रश्न होता है कि शरीर को कैसे ठीक रखें, वह योग, दूसरा हम मन टेंशन से दूर हो रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं वह योग। न टेंशन मतलब आश्रम जो है रिफ्रेशमेंट को प्लेस बन गया है केवल मेंटल टेंशन दूर करने के लिए और यह शरीर को ठीक करने के लिए, यह बात उचित नहीं है। यह जो है हम लोग एक तरह से मनोचिकित्सक बन गए हैं। ठीक ठीक जो यह है आ कि जब हम यह बताए कि दो शरीरों से ऊपर, मनोमय शरीर से ऊपर उठेंगे, जब तक से हम मन के कहने में रहेंगे, चूंकि यह मन का राजा इंद्रिय है, और जब तक से मन का संबंध इंद्रिय से रहेगा और मन का नियंत्रण इंद्रियों पर रहेगा, तब तक वह सांसारिक पाप पुण्य लाभ हानि या काम क्रोध मद मोह लोभ में ही पड़ा रहेगा। जैसे ही मन पर आपका नियंत्रण हो जाता है, हम लोग केवल यह पढ़ाई पढ़ते हैं केवल टू बिल्ड योर करना है बॉडी, शरीर को कैसे हम स्वस्थ रखें, शरीर को कैसे बिल्ड करें, और दूसरा पढ़ाते हैं
विद्यार्थियों के IQ बढ़ाने के लिए या इंटेलेक्चुअल बनने के लिए या तेज तरार बनने के लिए या कोई प्रतिभाशाली नौकरी पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन हम मैनेजमेंट ऑफ बॉडी तो पढ़ा लिए, लेकिन हम लोग जो बताते हैं मैनेजमेंट ऑफ बॉडी के साथ साथ दूसरा होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ माइंड। जब तक से मन पर हमारा नियंत्रण ना हो, जैसे हम बैठ करके यहाँ पर हम बैठे हैं और हम पढ़ने के लिए कक्षा में बैठे हैं, मन हमारा बाहर घूम रहा है, हम ध्यान में बैठे हैं, माला तो कर्मे डोले मनवा डोले चौधरी, कबीर साहब ने कहा कि मन जो है चारों दिशा में घूम रहा है, इसे तो कोई फायदा नहीं है। आँख बंद किए हैं, आँख बंद करते ही मन और घूमने लगता है। थोड़े दिन के लिए हम तनाव रहित हो जाते हैं, कहते बहुत रिलैक्स हो गए, तनाव रहित हो गए। तनाव रहित होने के लिए बहुत सारी धारणाएँ हैं। जैसे ही हम यह मन का नियंत्रण इंद्रियों पर रहेगा, तब मन प्लस इंद्रियाएं जो भी काम करेगी, संसारिक काम करेगी, पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए काम करेगी, वासना के लिए काम करेगी, इसमें काम क्रोध मद मोह लोभ के दलदल में हम फंसते ही जाएंगे जी। जैसे ही हम मन से ऊपर उठेंगे, फोर्थ क्लास माने चौथा शरीर से, और आत्म शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और गुरु की अनुकंपा जब हो जाएगी, तब हम ध्यान में पहुँचेंगे। देखिए ध्यान में हम जाते नहीं हैं, धारणाएं में हम रह जाते हैं, इधर उधर ही हम घूमते रहते हैं। जब ध्यान में जाएंगे तब अपने आप समाधि में चले जाएंगे। ध्यान ही हमारे शरीर का फूल है और समाधि फल है। तब हम जो है इस पाप से, पाप और पुण्य दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। पाप पुण्य से सब लोग डरते हैं, सो डर हमारे ना ही, आई डोंट फियर फ्रॉम योर सच टाइप ऑफ बोथ। उसे दोनों से डरना, क्या पापी ही डरेगा या पुण्यात्मा, हम लोगों को उसे, जैसे ही हम दोनों से मन से निवृत्त हो जाएंगे या मन जो है गिर जाएगा, चित्तवृत्ति से निवृत्त हो जाएंगे, आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे, आत्मा का सहज स्वरूप है आनंद, आत्मा का सहज स्वरूप है शांति, आत्मा का सहज स्वरूप है परमात्मामय होना, आत्मा का सहज स्वरूप है प्रेम, आत्मा का सहज स्वरूप है उल्लास, हम जो है सहज ही पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा पद के लिए आगे बढ़ जाएंगे। गुरु जी, बीच में आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि गुरु की अनुकंपा प्राप्त होना, वास्तविकता में गुरु की अनुकंपा किस प्रकार प्राप्त होगी ये भी आप हमें बताएं। आजकल इस पर भी कहें, गुरुआ तो बड़ा लबार है कौड़ी करती, आपे खाड़ी खात है बचत फिरे कपूर। बिल्कुल, आजकल किसी भी गुरु के यहाँ जाइएगा वह अपने ही ऊपर रहता है। अभी हम स्वर साधना क्लास ले रहे थे दिल्ली में नवरात्र में, उसमें हम यह अभी देख करके हैरान हो गए कि चार आदमी मेरे यहाँ आए थे, एक विचित्र, जब हम इंटरव्यू लिए कि चार लोग कहाँ से आए थे, एक तो डॉक्टर MD किया हुआ था, दूसरा इंजीनियर वह भी जो है रिसर्च स्कॉलर था, तीसरा जो था तीसरा भी इंजीनियर ही था, कंप्यूटर इंजीनियर। ये तीनों हमने पूछा कैसे आए, तो कहा कि हमने गुरुजी एक आदमी के यहाँ 4-5 साल से साधना कर रहे थे, उन्होंने आपका फ़ोन दिया और पता दिया कि जाओ हमारे बस की नहीं है, आप वहाँ साधना जाओ, आगे जो परमात्मा चाहते हो और असल में चाहते हो तो वहाँ जाओ। हम कहे कि यह तो परंपरा बुद्ध के परंपरा से लुप्त हो गई थी, आज तक कोई भेजता नहीं है, जो गुरु 7वां क्लास का पढ़ा है, KG क्लास का, वही तक कहता कि बस यहीं रह जाओ, आगे तो भेजता नहीं है, यह तुम्हारा गुरु, अब क्या उसका नाम बताया। हम कहें कि तू बहुत गुजरात का ही था कि वो भेजा है, तुम लोगों को बहुत धन्यवाद है, और वह साधना की अहोभाव से भर गया। जब ठीक ठीक आपको गुरु मिल जाएगा तो जितना जानता है वह उतना बता देगा, आगे के लिए भेज देगा। लेकिन अभी जो है जो शास्त्र रट लिया है और शास्त्र से एग्जाम्पल देते रहता है, वह जो है शास्त्र कूड़ा करकट भर लिया अंदर और उसे अपने शिष्य को आगे नहीं जाने देता, शिष्य भी जाने नहीं चाहता है। यदि शास्त्र जाने कि यह तो कूड़ा करकट शास्त्रों में ही लिखा है, वही गुरु जी भी बोल रहे हैं, तो हमको क्या फायदा है शास्त्र देख ले। बिल्कुल, देखो ये हम अब इसका मतलब ये उल्टा मत समझिए कि शास्त्र को हम कूड़ा करकट कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि जो तुलसीदास कहे हैं स्वांता सुखा भाषावत, वह अपनी राम के बारे में कह रहे हैं, वाल्मीकि अपने राम के बारे में कह रहे हैं, भगवान शिव ने जो लिखा है अध्यात्म रामायण वो अपने राम के बारे में कह रहा है। जब हम अपने राम को देखेंगे तब अपने राम का वर्णन कर पाएंगे ना। बिल्कुल, चीजों को जानने और समझने की आवश्यकता है जी। इस तरह से जब शिष्य तेज तरार हो जाएगा, सचमुच में परमात्मा के को जानना चाहेगा, आत्मा से ऊपर उठना चाहेगा, तो प्रकृति की कृपा होगी, परमात्मा का कृपा होगा और वैसे गुरु के यहाँ लेकर चला जाएगा। गुरु जी, क्योंकि लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें रेकी के विषय में भी बताते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में रेकी किस प्रकार कार्य करता है, आप हमें बताएं। देखिए रेकी जो है उसके गुरु डॉक्टर मिकाऊ जब रिसर्च किए थे ठीक था, अब डॉक्टर मिकाऊ रहे नहीं, और जितने लोग रेकी को सीखे हैं वो प्रोफेशनल हो गए, एक तरह से जिसे जो कराने वाले प्रोफेशनल हैं वही प्रोफेशनल हैं, जगह जगह अपने पैसा ले रहे हैं, बता रहे हैं। वह रेकी का भी प्रयोग जो है अपने
रोग निवारण में ही शक्ति किया जाता है कि रेकी के माध्यम से भी हम उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं और फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी जिससे रोग ठीक होता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं डिवाइन सीक्रेट साइंस दिव्य गुप्त विज्ञान अभी जो नया रिसर्च किए हैं उसके माध्यम से यह होता है कि आप अपने मूलाधार से लेकर जो हम बता रहे हैं सब शरीर हरेक चक्रों का सात चक्रों का सात शरीर है और सातों शरीर को जैसे जैसे आप ऊपर पार करिएगा वैसे वैसे आप आत्मबुद्धि की तरफ चलते चलिएगा और वह जो है एनर्जी जो है ऊपर से कॉल किया जाता है। इसलिए हमने भी डिवाइन सीक्रेट साइंस दिव्य गुप्त विज्ञान में दिया है कि आप अपने भी निरोग रहिएगा दूसरे को भी रख सकती है और साथ ही जो है इसके द्वारा आप आत्मबोध को भी प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन रेकी जो है केवल अभी प्रोफेशनल बनकर रह गया है और उसका कोई गुरु नहीं है जिसे कि वह नियंत्रण करे। अब सब जो है सीखने वाले ग्रैंड मास्टर अपने गुरु साबित कर दिए ऊपर से कोई निर्देश नहीं दे रहा कि नहीं अभी यह करना है। इसीलिए किसी भी विद्या का तब तक से बहुत प्रचलन होता है जब से उसका जागृत गुरु जिंदा रहता है। जैसे भगवान राम जब थे कुछ और थी। एक ये भी हमारा अनुसंधान है कि हर 2500 वर्षों पर जो है वह परंपरावादी बन जाता है उसमें ढोंग आ जाता है। जैसे भगवान राम आए उसके बाद जो है 2500 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण के 2500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध आए और बुद्ध को भी 2500 वर्ष हो गया अब जो है वैकेंट क्रिएट हो गया है। इसलिए चौथे शरीर पर आए हुए लोग ही इन विभिन्न प्रकार की मन के खेल ही ये रेकी का है। और मैंने बताया कि अवतार पर करता है यह बुद्ध पुरुष जो है जैसे भगवान बुद्ध थे उन्होंने जो आविष्कार किया था स्पर्श मात्र से बहुत लोगों का ठीक हुआ तो उन्होंने इस विद्या को जो है अपना साधना का ही माध्यम बनाया था। और साधना में स्पर्श कोई जब कोई आदमी दिव्य आत्मा को प्राप्त कर लेता है आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है उसके दृष्टिपात से रोग ठीक हो जाए यदि चाहे तो। हमारे यहाँ बहुत केस आया है जिसको हम लोग कह दे कि जाओ यह करो वह करो उसी से कैंसर तक बीमारी ठीक हो गई। लोग अपना अनुभव देकर गए हैं जो डॉक्टर कह दिया कि केवल कार्बन बन रहा ठीक ही नहीं होगा अब तुम कुछ दिन के मरीज हो और छत्तीसगढ़ में वह डॉक्टर हम कहे कि जाओ यह नाम जापो कहने के लिए और वह जो है बाहर निकल आया। अभी अभी एक आदमी जो है जयपुर में डॉक्टर कह दिया कि नो चांस 15 दिन से ICU में है यह है वह है। फिर मेरे यहाँ आया हमने बहाना कि बहुत रोने गाने लगा जाओ ठीक हो जाएगा अब वह ICU से आज कल बाहर आ गया। यह जो है बहुत लोगों के साथ घटना होती है तो हम लेकिन यह हम अब सब लोग आने लगे यह कर दीजिए संभव नहीं है। संभव नहीं बिल्कुल। गुरु जी बहुत ही खूबसूरत बात है इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें बता रहे हैं और हमारा मन नहीं कर रहा है कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए लेकिन चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे आप हमें बताएं। यह आपको कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है दिव्य गुप्त विज्ञान डिवाइन सीक्रेट साइंस शास्त्रों में छिपा हुआ है लेकिन पहले मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी आते थे धर्म में और वही जो है राजनीति पर नियंत्रण रखते थे। यह जो है जागवल्क गर्ग गौतम अत्रि कपिल कणाद तक रहा इसके बाद भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर तक रहा 2500 वर्षों तक मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी धर्म में आते थे वही राजनीति पर नियंत्रण करते थे। लेकिन यह दुखद घटना है कि 2500 वर्षों के बाद मैंने बुद्ध और महावीर के बाद यह जो है इंटेलेक्चुअल लोग अब जो हैं पलायनवादी हो गए अब वे डॉक्टर बनने लगे इंजीनियर बनने लगे अफसर बनने लगे IAS IPS बनने लगे उनको जो है सुख सुविधा के आदि हो गए और अध्यात्म से भाग गए। अध्यात्म जो है साधारण निपुणों के बीच पड़ गया जिसको एक चपरासी की नौकरी नहीं लग सकती है एक दरखास्त नहीं लिख सकता है वह धर्माधिकारी बन गया और संस्कृत का श्लोक रट करके वह धर्म पर नियंत्रण करने लगा वही राजनीति में भी वैसे ही लोग आ गए। तो अब यह इसलिए दोनों जो है साधारण लोगों के लिए तथाकथित यदि मैं कहूँ कि तथाकथित लोगों के लिए छूट गया है और धर्म से पलायन हो गया है इसलिए आज जो है समाज का जो बदसूरत हालत है। हमारे यहाँ जैसे कि आपको बता दें श्रीमद्भागवत की विद्या जो है मैं अक्सर कहता हूँ दैट इज आर्ट ऑफ डेथ मृत्यु की कला है। उसका जन्म ही हुआ है परीक्षित को श्राप मिल गया है मृत्यु के लिए अब वह मृत्यु से वह मुक्त होना चाहता है तब खोज किया उस टेक्निक को जानता कौन है तो उस टेक्निक को उस समय चूँकि एक समय का सदगुरु एक ही होता है वह जो है मात्र जो है सुखदेव जी जनक जी से सीख लिए थे और जनक जी का ही परंपरा में गुरु परंपरा में सुखदेव जी आ रहे थे इसलिए उस टेक्निक को जो मैं बताया कि 7 चक्र होता है और 7 शरीर होता है उसको जो है मूलाधार चक्र से उनकी
एनर्जी को एक एक दिन में ऊपर करते गए और सातवां दिन जो है उसको आत्म शरीर से लेकर ब्रह्म शरीर में कॉस्मिक बॉडी से लेकर बॉडी बॉडीलेस बॉडी में मिला दिए और वह मुक्तता को प्राप्त कर गए। यह मुक्ति की कला है, आर्ट ऑफ डेथ की कला है। और इसको देखते हैं कि जब यह कला हो गया तो दूसरा इसके महात्म में जो आया है धुंधकारी आत्मदेव पंडित जो है, दोनों जो हैं प्रेतात्मा को प्राप्त हो गए हैं। तब जो है यह गोकर्ण आया है और गोकर्ण ने इसी विधि को वह भी किया है और इन लोगों को मुक्त से किया है। आज जो है साधारण लोग जो है इस कला को जानते नहीं हैं, साइंस को समझे नहीं, हर सठे इसको हर जगह करा रहे हैं और इसके लिए परिकृति में देखिए उपद्रव हो रहा है, अनाचार व्यभिचार फैल रहा है। कहूँ तो कोपतिया, मैं कह रहा हूँ तो कोई मान ही नहीं रहा है। मैं कहता हूँ कि जबले न देखूं अपनी नैना, तबले न मानो गुरु की बहना। जब तक से तुम अपने गुरु आंख से देख नहीं लेता है सत्य को, तब तक डंट बिलीव इन द वॉइस ऑफ द गुरु। बिल्कुल गुरु जी, इन बातों को जानने और जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते बता दें यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, कार्यक्रम के अंत में हमारा फ़ोन नंबर और साथ ही साथ ईमेल आईडी आ रही है, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पे ईमेल आईडी पे संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।